मेरी सभी वीडियो अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे, जो कि आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो आइए देखते हैं आज रेलवे CBT2 एग्जाम को देखते हुए मैथ में प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक लंब प्रिज्म का आधार 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 144√3 है घन सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई आपको निकालना है कि क्या है। मैंने प्रिज्म के बारे में जब ज्योमेट्रिकल फिगर मैं बता रही थी तो आपको प्रिज्म और पिरामिड दोनों मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रिज्म का आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है दोनों साइड आपका प्रिज्म का। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका प्रिज्म और प्रिज्म में ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज, और इधर भी है आपका समबाहु त्रिभुज दोनों साइड। प्रिज्म में क्या होता है कि बेस और ये ऊपर साइड दोनों एक इक्वल रहता है, एक ही रहता है, और ये है उसके लैटरल सरफेस होते हैं। ये आपको इसमें इसकी हाइट पूछ रहा है। जैसे कि हाइट का मतलब है कि ये जितनी ऊंचाई का है, यही ऊंचाई आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिज्म का आधार अगर दिया गया है समबाहु त्रिभुज वाला है और प्रिज्म का आयतन मालूम है, तो ऊंचाई, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल, चूंकि ये इसके बेस के अनुसार से प्रिज्म होता है, तो अगर त्रिभुज वाला रहे तो उसका क्षेत्रफल लेंगे, अगर वर्ग रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, आयत रहे तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग लेंगे, जो रहेगा उसी का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का आयतन आपको दे दिया गया है 144√3। आधार का क्षेत्रफल यानी कि आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर वाला, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, या तो 12 × 12 हम लिख दिए। अब ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया नहीं गया, आपको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई को हमने h से लिख दिया। अब ये √3 और √3 हो गया कैंसिल, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और ये 144 कट हो गया। h का मान कितना आ गया आपके पास, 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया था कि इसकी ऊंचाई बताएं, तो ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। आंसर आपके ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। अब देखिए, पार्श्व क्षेत्रफल मतलब क्या है कि ये देखिए, ये हो गया आपका प्रिज्म, पार्श्व यानी कि लेटरल सरफेस, ये त्रिभुज है तो 3 सरफेस है और इन्हीं का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो जब कभी भी पार्श्व यानी कि लेटरल सरफेस का आपको एरिया निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हाइट, बस ये निकल जाएगा तीनों का सरफेस एरिया। चलिए यहां पे हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पार्श्व यानी कि लेटरल सरफेस, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार की परिमिति गुने ऊंचाई। अब आधार की परिमिति क्या हो जाएगी, अलग अलग, अगर वर्ग है तो वर्ग की परिमिति लेंगे और अगर आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज की परिमिति लेंगे, तो उसके अनुसार से आपको पेरीमीटर लेना होगा। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल, अब आधार क्या है आपका, ये त्रिभुजाकार, और परिमिति कैसे निकालते हैं कि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि चारों साइड जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग, तो 3 भुजाएं हैं तो तीनों का योग हो जाएगा, तो 3, 4 और 5 तीनों को हमने ऐड कर दिया तो बन गया ये पेरीमीटर। और मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना दिया गया है, 20, तो हमने कर दिया 20 से मल्टीप्लाई। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और मल्टीप्लाई 20, यानी कि कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया पार्श्व तल का क्षेत्रफल, आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर लंबी है,
तो यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब एक चीज समझ लीजिए, मैंने पहले बताया आपको आयतन, फिर एक क्वेश्चन बताया आपको लैटरल सरफेस पे, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मीन्स की टोटल। अब टोटल देखिए, अगर ये त्रिभुज है तो एक दो और तीन, तीन लेटरल सरफेस है और दो क्या है त्रिभुजाकार, यानी टोटल जब आपको निकालना होगा तो इसके लिए तीन और प्लस ये दो टोटल का आपको एरिया चाहिए, तभी ये होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा कि ये आधार का क्षेत्रफल और इस साइड के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि दो गुने आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। और फिर इसमें ऐड क्या करना है, ये लैटरल सरफेस जो है इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आइए फिर हम फॉर्मूले से चलते हैं। फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दो गुने आधार का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा पार्श्व तल का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस। ओके, अब यहां पे आपको आधार का क्षेत्रफल के लिए आधार जो रहेगा आपको उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब पार्श्व तल का क्षेत्रफल याद कीजिए, मैंने कैसे बताया था, पार्श्व तल का यानी कि लैटरल सरफेस का एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट, ये करना था आपको। तो चलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 360 दिया गया है। अब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अगर ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज तो ये 5 12 और 13, तो ये हो गया आपका ऊंचाई और ये आधार, तो 5 गुने क्या हो जाएगा 12 और प्लस पार्श्व तल का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा कि सभी भुजाओं का योग, पेरीमीटर हम ऐसे ही निकालेंगे तो 5 12 और 13 हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई तो मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे इसके लिए एच। चलिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 360 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 प्लस, जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एच। अब ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 300 इक्वल टू 30 एच, ये कट हो जाएगा कितने टाइम में, 10 टाइम में, तो एच का मान कितना आ गया 10। यहाँ पे पूछा गया था उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ भी एक प्रिज्म दिया गया है और प्रिज्म का बेस क्या है, एक समकोणीय आधार, आधार क्या है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज और समांतर भुजाओं की लंबाई ये हो गई 8 और ये हो गया 14 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया है। आयतन मालूम है, ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल मीन्स समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई तो आपको निकालनी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग यानी 8 और प्लस 14 और गुने होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि 8, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आयतन दिया गया है 1056, आधार का क्षेत्रफल कितना निकल गया
88 और ऊंचाई है आपका h, हमने इसे मान लिया। जब आप इसे कट करेंगे तो 12 टाइम में कट जाएगा, यानी कि h का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर आंसर। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछें। अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है मेंसुरेशन तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट करें, तभी मैं बता पाऊंगी आपको। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।